गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि किस प्रकार नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांगे हैं विश्व या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि किस प्रकार जो विकासशील देश हैं, तीसरी दुनिया के जो गरीब देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, वो किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी पाने के लिए या फिर अपना हिस्सा पाने के लिए ये राष्ट्र या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए ये राष्ट्र किस प्रकार एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के लिए प्रयासरत है। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दे क्या क्या है, या फिर जो तीसरी दुनिया के जो देश है वो किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियो या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा की को सार्थक बनाने के लिए प्रयासरत है, उनके क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं या मांगे हैं या क्या क्या विचारधाराएं हैं। तो हमने पढ़ा था कि विश्व के आर्थिक संबंधों को पुनर्संरचना या उसको पुनर्गठित करने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की जा रही है। संस्थागत परिवर्तन, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उसमें ये राष्ट्र अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, इसलिए उसमें ये परिवर्तन चाहते हैं ताकि इन इन राष्ट्रों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में जो संरक्षणवाद की जो नीति है, स्थिति है, जिससे इन राष्ट्रों के साथ शोषण हो रहा है या ये राष्ट्र और गरीब हो रहे हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करते हैं। पूंजी स्रोतों का हस्तांतरण, यानी कि हम देखते हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकसित राष्ट्रों के पास सारे पूंजी संसाधन हैं, तो जो तीसरी दुनिया के जो विकासशील जो देश हैं उनकी मांग है कि उनका भी पूंजी संसाधनों पर अधिकार हो, ताकि ये देश बड़े बड़े ऋणों के बोझ से मुक्त हो और इनके देशों में भी उत्पादन बढ़े और इनका विकास हो। तकनीकी हस्तांतरण की मांग करते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मुद्दा या विचार या मांग जो है वो तकनीकी हस्तांतरण, मतलब कि तीसरी दुनिया के देश अपने आर्थिक विकास के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए तकनीकी हस्तांतरण भी चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में अधिकतर तकनीक पर, अधिकतर जो आर्थिक संसाधन है, विकास के जो संसाधन है, उस पर विकसित राष्ट्रों का वर्चस्व है, तो इसलिए विकासशील जो राष्ट्र हैं वो उस तकनीक को पाना चाहते हैं और ताकि वो अपनी स्थिति को सही बना सके, या फिर अपने क्योंकि जो तकनीकी ज्ञान पर जो इन विकसित राष्ट्रों का, अमीर देशों का जो एकाधिकार है, उस वजह से विकासशील राष्ट्र पिछड़े हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि तकनीक ज्ञान का हस्तांतरण भी तीसरी दुनिया के देशों को हो। एक और मांग या विचार या मुद्दा है जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है, वह यह कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते खतरे पर नियंत्रण रखा जाए। तो तीसरी दुनिया के देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अत्याचारों से या फिर उनकी एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व है या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, संबंध है, उस पर इन बहुराष्ट्रीय निगमों का, मल्टीनेशनल कंपनीज का एकमात्र नियंत्रण है। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, ये विकसित राष्ट्रों के ऐसे हथियार हैं, ऐसे साधन हैं जो कि इन विकासशील राष्ट्रों के अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था में भी एंटर करते हैं और उनको पंगु बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि एक प्रकार के नव उपनिवेशवाद का जो विकास हुआ है या जो जन्म हुआ है वो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से ही हुआ है। तो इस प्रकार हम देखें कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और आंतरिक व्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो भूमिका है वो नकारात्मक रही है, हानिकारक रही है। ये विकास जो विकासशील राष्ट्र इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इन जोखिमों से, उसके दुष्प्रभावों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में वह इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाम रखना चाहते हैं, एक ऐसी आचार संहिता का निर्माण करना चाहते हैं जो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण रख सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण जो एक आधार है, जो विचार है, वो यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो एकाधिकार है विश्व व्यापार पर, उसको समाप्त किया जाए। सातवां जो विचार है, मुद्दा है या फिर मांग है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, वह है वस्तु उत्पादकों के हितों को मान्यता
और संरक्षण। यानी कि वर्तमान समय का युग अंतर्निर्भरता का युग है, जिसमें विभिन्न वस्तु उत्पादक जो विकासशील राष्ट्र है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जितनी कि औद्योगिक या विकसित राष्ट्र निभाते हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वस्तु उत्पादकों को, जो कि विकासशील राष्ट्रों के हैं, उनको कम महत्व दिया जाता है। इसलिए ही विकासशील राष्ट्र अपने वस्तु उत्पादन में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने हितों को संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि विकसित राष्ट्र जो है वह उनके हितों पर नियंत्रण रखते हैं, वस्तु उत्पादन पर नियंत्रण रखते हैं और ये उन्हीं पर, उन्हीं की दया पर निर्भर रहते हैं। तो इसलिए विकासशील राष्ट्र अपनी वस्तुओं के निर्यात के द्वारा अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि वो विकसित राष्ट्रों पर उनकी निर्भरता कम हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनियंत्रित और खुली जो प्रतियोगिता है, जो व्यापार या आर्थिक संबंधों की, उसमें ये तीसरी दुनिया के देश बाहर निकले और उस संरक्षणवाद को समाप्त करके ये अपनी निर्धनता को जो है वो ख़त्म करें। तो विकासशील राष्ट्र अपने व्यापारिक हितों के संरक्षण के लिए एक ऐसी संहिता बनाना चाहते हैं ताकि विकासशील जो देश हैं वो अपने निर्यातित कच्चे माल की वस्तुओं का मूल्य बढ़ाए और उन्हें स्थिर रखे। तो यही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य विचार और मुद्दा है, जो कि विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के सामने उठाते हैं या फिर वो चाहते हैं। आठवीं जो मांग है या मुद्दा है या विचार है वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में इनकी भागीदारी हो और गैट या विश्व व्यापार संगठन जैसी व्यवस्था में संशोधन हो। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विचार या जो तीसरी दुनिया के देशों की मांग है कि धनी राष्ट्र जो है, अमीर जो देश है, उनकी जो निर्यात मंडियाँ हैं उस पर या नई या अमीर राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर या उनके बाजार पर वह अपनी पहुंच बना सके या वहां तक वह पहुँच सके। या फिर हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में बाजार में तीसरी दुनिया के देशों की भागीदारी हो। तो वर्तमान समय में स्थिति यह है कि जो धनी राष्ट्र हैं वह अनुचित रूप से इन गरीब राष्ट्रों को निर्यात व्यवस्था से बाहर रखते हैं और इन देशों का शोषण करते हैं। तो विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में बहुत बड़ा आर्थिक और औद्योगिक अंतर है और उस अंतर को गैट ने या विश्व व्यापार संगठन ने और बढ़ाया है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में परिवर्तन करने में ये गैट जैसा जो व्यापारिक जो संगठन है या समझौता है वह असफल रहा है। तो हम देखते हैं कि विकसित और विकासशील देशों में जो एक खुली और अनियमित जो प्रतियोगिता है, जो व्यापारिक प्रतियोगिता है, वो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इसने विकासशील राष्ट्रों के स्थान पर विकसित राष्ट्रों को और ज़्यादा अमीर बना दिया है। तो तीसरी दुनिया के देश जो है वो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में अपनी भागीदारी चाहते हैं, ताकि ये देश जो है वो अपने सीमा शुल्क को जो है वो अपने पक्ष में कर सके और अपनी अपनी मुद्राओं को या अपने व्यापार को या अपने कच्चे माल को आयात कर सके और अपने उत्पादन को, अपने रोजगार की सुविधाओं को बढ़ाकर अपना आर्थिक विकास या अपनी उन्नति कर सके। तो आज तीसरी दुनिया के देशों के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वो वर्तमान विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में सुधार लाए, उसमें परिवर्तन लाए, जो कि तीसरी दुनिया के देशों के प्रतिकूल है। क्योंकि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व्यापार पर अमीर देशों का, विकसित देशों का जो वर्चस्व है उसको समाप्त करना ज़रूरी है। तो गैट या विश्व व्यापार संगठन जैसे जो भी आर्थिक जो संस्थाएं हैं उनका इतना महत्व नहीं है कि वो विकासशील देशों के विकास पर ध्यान दे सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील राष्ट्रों की का विकास हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि विश्व में जो आय है, साधन है, उत्पादन की और संपत्ति है, वो सभी राष्ट्रों में उसका सम्मान और न्यायचित बंटवारा हो या समानता का सिद्धांत लागू हो, ताकि तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी मांग है, ताकि विकासशील राष्ट्र अपना विकास
जो है वो कर सके। फिर आत्मनिर्भरता, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा विचार जो मांग है, जो उद्देश्य है, वो है आत्मनिर्भरता। विकासशील राष्ट्र अपना विकास करना चाहते हैं, वे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ताकि विकसित राष्ट्रों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। ये जो राष्ट्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी भागीदारी चाहते हैं। विकासशील देश यह चाहते हैं कि विकसित राष्ट्रों पर उनकी निर्भरता कम हो, और इसलिए वो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चाहते हैं ताकि धनी राष्ट्रों के जो आधिपत्य वाली जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसको समाप्त किया जा सके। तो इस प्रकार बच्चों हमने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा को पढ़ा है उसमें विभिन्न विषय, विभिन्न विचार मुद्दे, विभिन्न समस्याएं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं वो सब मिलकर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो विकासशील जो देश चाहते हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना की जाए, यानी कि उसमें उनकी भी भागीदारी हो, और WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है, जो विश्व व्यापार संगठन के अधीन विभिन्न जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके अधिकार सुरक्षित हो, विश्व व्यापार में पहले से अधिक और निश्चित उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनके ऋणों को समाप्त किया जाए, और अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक सहायता अनुदान है वो उन्हें प्राप्त हो, और विकसित राष्ट्र उनको हर प्रकार की तकनीक ज्ञान का हस्तांतरण करे, कृषि और उद्योग धंधों के विकास में भी उनको हर तरह से सहायता मिले, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्णयों में भी विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं वह उत्तर दक्षिण संवाद के माध्यम से इन सभी मुद्दों का समाधान चाहते हैं ताकि वे पारस्परिक विकास जो के द्वारा वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर में अपना स्थान बना सके। इसके लिए वह दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी दक्षिण दक्षिण आपस में भी संवाद करके वो अपने विकास को पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच यही है, दुर्भाग्यवश सच्चाई यही है कि न तो दक्षिण दक्षिण सहयोग आगे बढ़ पा रहा है, विकास कर पा रहा है, न उत्तर दक्षिण जो संवाद है, डायलॉग जो है, उत्तर दक्षिण डायलॉग या दक्षिण दक्षिण डायलॉग है, वह भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांग है वह पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती है। इसके पीछे भी कई समस्याएं और कठिनाइयां हैं जिसको हम पढ़ेंगे।